हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसबीआई ऑनलाइन क्लास। क्लास 7 हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज, पार्ट 3 समाचार। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इस पार्ट जो आपका रिवीजन पार्ट चल रहा है यूनिट 7 का थर्ड चैप्टर, इसमें हमने आगे की एक्सरसाइजों को किया था। अब उसके बाद जो एक्सरसाइज आनी है, एक्सरसाइज नंबर घ, ठीक है। इसके बाद घा के बाद अड़ा जो प्रश्न उत्तर है वो भी मैं बताऊंगी आपको प्रश्न होंगी। तो सबसे पहले ये वाली एक्सरसाइज हम करते हैं। इसमें क्या है कि सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें क्या करना है, जो कथन सत्य है उस पर हमें सही का टिक करना है, जो कथन गलत है उस पर हमें क्रॉस का चिन्ह करना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला आपका वाक्य है, रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। तो ये वाक्य कैसा है, ये कथन आपका सत्य है। इसके बाद प्रयोग के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। क्या ये कथन सत्य है, नहीं, प्रयोग के आधार पर शब्दों के 4 भेद नहीं होते हैं। ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। इसके बाद आलू विदेशी शब्द है, तो ये कथन क्या है, ये कथन भी गलत है। नेक्स्ट, संस्कृत से हिंदी भाषा में आए शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम, मैंने बताया था ना, संस्कृत के जो परिवर्तित रूप हिंदी में आते हैं क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं कि तद्भव कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम। संस्कृत से हिंदी भाषा में आए, जैसे संस्कृत में अगर अश्व लिखते हैं तो हमारे हिंदी भाषा में आए तो तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम अर्थात उसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान। तो जैसा ये लिखा है सेम वैसा ही हिंदी में भी अश्व जो शब्द है वो तत्सम शब्द, ये तत्सम शब्द कहलाएगा। और तद्भव शब्द इसका क्या होगा, अश्व का घोड़ा। तो तद्भव क्या हो गया, संस्कृत से हिंदी रूपांतरण, तो ये क्या हो जाएगा, तद्भव और ये तत्सम। तो ये वाक्य हमारा क्या है, सही है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी घा के बाद आपका है ड़ा नंबर पर जो एक्सरसाइज है प्रश्न उत्तर। इसके बाद क्या है बच्चों, प्रश्न उत्तर है, इन्हें मैं आपको मौखिक समझाऊंगी, ठीक है, बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा। सबसे पहला प्रश्न है आपकी पुस्तक इस पाठ का, जो मौखिक प्रश्न तो आप लोग समझ चुके हैं। अब क्या है, लिखित प्रश्न जो है इसमें है, शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो बच्चों इसका आंसर होगा, वर्ण या वर्णों का समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। हाँ, एक बार इसको समझ लीजिए बच्चों, शब्द किसे कहते हैं, वर्ण या वर्णों का समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है। तो शब्दों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है, इसका उत्तर है, शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है, ये है, पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। तो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। अब क्या है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका आंसर होगा, हिंदी भाषा में शब्दों की उत्पत्ति के 4 आधार हैं। इस आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशज शब्द।
बच्चों जैसा कि अभी समझाया था आपको आंसर में ये लिखना है, पूरी डेफिनेशन नहीं बट डेफिनेशन जो इसकी है वो मैं आपको समझा दूँ एक बार कि तत्सम शब्द क्या है। तत्सम शब्द हिंदी संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है, संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है, इसलिए संस्कृत के अनेक शब्द उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे वायु, अग्नि, अश्व, ठीक है, बानर, भिक्षा, वर्ष, सर्प, वृक्ष आदि, जो ये शब्द है ये क्या शब्द, ये संस्कृत के ही शब्द हैं और जननी होने के कारण हिंदी भाषा में इनका मूल रूप जिस तरीके से वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, तत्सम शब्द, संस्कृत के समान शब्द हैं तत्सम शब्द। इसके बाद दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या है, ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं परंतु अपने थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ वे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे घर, सांप, दूध, घी, कुआं, जीव, बंदर आदि अनेक ऐसे शब्द हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद है देशज शब्द। देशज शब्द क्या है, देशज शब्द हिंदी में अन्य किसी भाषा से नहीं लिए गए हैं, ये शब्द परंपरा से जनजीवन की साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं और क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं, इन्हें ही देश शब्द कहा गया है। देश शब्द जैसे थैला, ठीक है, गाड़ी, झुग्गी, खिड़की, घोंसला, पगड़ी, पेट, खटखटाना, थपथपाना, जूता, झाड़ू, फड़वा आदि, ये क्या है, ये हमारे देशज शब्द हैं, अर्थात जैसे जैसे क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं तो जिनका सबसे ज़्यादा, जिन शब्दों को सबसे अधिक प्रचलन हो जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। इसके बाद है बच्चों विदेशी शब्द। विदेशी शब्द आपको जैसा कि शब्द से ही अवगत हो रहा है, जैसा कि अभी आपने देशज शब्द से अवगत किया आपने कि देशज का अर्थात देश में उत्पन्न शब्द और विदेशज अर्थात विदेशी आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं, लेकिन इसे सही रूप से प्रकाश क्या है, हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द आ गए हैं और वे सभी शब्द अपने मूल रूप से ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, इन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कुछ प्रमुख विदेशी शब्द में जैसे आपका पेंसिल, आलू, हलवाई, अदालत, कमरा, बहादुर। अब ये सिर्फ ये ना सोचिए कि सिर्फ अंग्रेजी भाषा से हैं, ये आपके जैसे रोमन हो गई, ठीक है, फारसी हो गई, उर्दू हो गई और आपकी पंजाबी हो गई, ये सारी काफ़ी भाषाओं के मेल से ही शब्द बने हैं, ठीक है, जिसमें आपकी तुर्की भाषा भी आएगी, अंग्रेजी में भी आएगी, अंग्रेजी जैसे हॉस्पिटल, टेलीफोन, टिकट, क्रिकेट आदि, अरबी में जैसे जाले, तारीख, दफ्तर, दुकान आदि, फारसी में सरकार, सौदागर, पलंग, दवा, ती आदि, इस बार तुर्की में कुली, उर्दू, चमसा, पुर्तगाली, कमीज आदि। तो ये तो बच्चों आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया उत्पत्ति के आधार पर, लेकिन इसमें सिर्फ क्या पूछा था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, तो आपको सिर्फ भेद लिखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए विस्तृत रूप से बताया है, ठीक है, और लिखना क्या है आप लोग तो ऑलरेडी इसको वीडियो के माध्यम से लिख ही चुके हैं, तो इसको सिर्फ समझते चलिए आप लोग क्योंकि आपकी रिवीजन क्लास है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेदों के नाम लिखिए। क्या है, रचना या बनावट के आधार पर, तो इसमें क्या है बच्चों, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगिक शब्द। अब इसको भी जरा समझ लीजिए कि रूढ़ शब्द क्या है, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव और प्राणी के लिए परंपरा से चले आ रहे हैं, ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं, शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। जैसे अगर हाथ लिखा है हा ला कर दे और था ला कर दे तो कोई अर्थ प्राप्त नहीं होगा, अर्थात इन दोनों शब्दों के योग से ही एक अर्थ निकलेगा, सार्थक अर्थ निकलेगा। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, जैसे हाथ हो गया, जल हो गया, ठीक है, कर हो गया, दिन है, रात है, तो ये क्या है, आपके रूढ़ शब्द हैं।
सरल भाषा में कहें तो रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनको जिनके टुकड़े करने पर कोई हमें सार्थक अर्थ की प्राप्ति ना होता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसके बाद है बच्चों आपका यौगिक यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है? दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे आत्मकथा, रसोई घर, भर पेट, ठीक है, और विद्यार्थी, पाठशाला, परोपकारी आदि। ये क्या है? दो स्वतंत्र शब्दों के योग से जो शब्दों का योग हुआ है इन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। इसके बाद है बच्चों यौगूण शब्द। यौगूण शब्द क्या है? ये यौगिक या रूढ़ शब्द के योग से बनता है। ऐसे यौगिक शब्द जिनका अर्थ परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रचलित होता है यौगूण शब्द कहलाते हैं। या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं ऐसे शब्द जो दोनों शब्दों का अर्थ तो हो परंतु हमें किसी तीसरे अर्थ की ओर इंगित करे या तीसरे अर्थ की हमको प्रधानता प्राप्त करे, तो ऐसे शब्द यौगूण शब्द कहलाते हैं। और यही शब्द आगे जाकर के हमको किसमें मिलते हैं? बहुव्रीहि समास में। तो शब्द कौन से? जैसे नीलकंठ, तो नील और कंठ, तो नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। दस आनन, दस सिरों का समूह अर्थात रावण। तो दस आनन, दस संख्या और आनन सिर, इन दोनों का योग तो है, अर्थ तो दोनों का है लेकिन अर्थ हमें किसका? किसी तीसरे का प्राप्त हुआ है। तो ऐसे शब्द किसमें आते हैं? बहुव्रीहि समास में। ठीक है बच्चों, तो आपने आज इसमें क्या पढ़ा? सबसे पहले आपने ये एक्सरसाइज पढ़ी। एक्सरसाइज में आपने सही कथन पर चिन्ह लगाइए। और पिछले कक्षा में हमने आपको मौखिक प्रश्न समझाए थे, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इसके बाद आपने रिक्त स्थान पढ़े थे और आज मैंने आपको सही कथन पर सही का चिन्ह व गलत कथन पर गलत का चिन्ह ये समझाया, प्रश्न उत्तर समझाया। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से स्मरण हो गया होगा। ये आपका यूनिट सेकंड का चैप्टर है, तो इसको बहुत अच्छे से रिवीजन करते चलिए जिससे आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो आगे मैं आपको अगले वीडियो में नए चैप्टर का रिवीजन कराऊंगी। आपका दिन मंगलमय हो।